सजने का है शौकी, कोई कसर ना रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाए। आसान बोल हैं, सभी को आते होंगे। एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप बोलिए, क्योंकि बाबा को अगर रिझाना है तो भाव से ही रिझाया जा सकता है, प्रेम से ही रिझाया जा सकता है। हाथ खोल के ताली बजाते हैं, मिलकर कहना, सजने का है शौकी, कोई कसर ना रह जाए, सजने का है शौकी, कोई कसर ना रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रह जाए। ऐसे हाथ बांध कर बैठेंगे तो बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। आज एक कार्तिक की ग्यारस भी आप आनंद ना लूटे तो इस ग्यारस पे आना बेकार है। भावना में भावना तो भावना बेकार है, भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। तो जरा भावना लाके, जरा आनंद लाके बोलिए, जब सांवरा सजता है सारी दुनिया सजती है, इसे इतर छिड़कते हैं सारी दुनिया महकती। एक बार दोनों हाथ उठा करके बिल्कुल सीधे और कहना मिल करके, बागों का है एक फूल गजरे में लग जाए, बागों का है एक फूल गजरे में लग जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते। ऐसे चुपचाप बैठ के श्रृंगार नहीं होगा। देखिए अभी इस वक्त हम तन से श्रृंगार नहीं कर सकते, लेकिन अपने भावों से श्रृंगार कर सकते हैं। तो मिलकर सभी भाव से कहिए, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते, ऐसा कर दो श्रृंगार, सब देखते रहे। Oh,
लोग क्या कहते हैं, बाबा का श्रृंगार मैंने किया, बाबा को भोग मैंने चढ़ाया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि बाबा को कुछ भी चढ़ाने वाले, कुछ भी देने वाले हम कौन होते हैं। करने वाला शाम, कराने वाला शाम, कराने वाला शाम, और कलयुग को यो देव सकल देव कहलावे, रीजे तो भंडार भरे, कीजे तो चाम की जावे। जब देने पे आता है तो लाखों के भंडार भर देता है, लेने पे आता है तो चमड़ी भी उधेड़ देता है। बाबा ऐसे भाव के भूखे हैं जिन्होंने छप्पन भोग की तरफ नहीं देखते, उन्होंने विदुरानी के केले के छिलके खाए, क्योंकि जब विदुरानी प्रभु को देखती है तो इतनी भाव विभोर हो जाती है, तो केले फेंकती जाती है और केले के छिलके बाबा को खिलाती है। बाबा ने वो भी बहुत प्रेम से खाए, प्रेम भाव से बनाइए बाबा को, रिझाइए बाबा को, बाबा जरूर आपकी सुनेंगे। जरा ताली बजा के बस भाव के सागर में मेरा शाम डूब जाए, बस भाव के सागर में मेरा शाम डूब जाए, ऐसा कर दो श्रृंगार। देखिए हम प्रभु को ढूंढने कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई गंगा जमुना कहाँ कहाँ जाते हैं, कितने ही तीर्थ स्थान है दुनिया में, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, ना वो अंतर में ना बाहर में, ना वो योग में है ना वो भोग में है, ना विलंब में है ना विलास में है, ना वो नाम में है ना उपास में है, ना वो संयम नाम उपास में है। यदि प्रेम में है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। बोलो बोलो, यदि प्रेम है तो प्रभु प्रेम से प्रभु को मनाए। और ये भजन जिन्होंने लिखा है, इतने सुंदर भाव जिन्होंने लिखे हैं, ये शुभम रूपम तेरे भावों के भजन गाए, होने जा रहे हैं बिल्कुल सीधे हाथ और कहना, ऐसा पर दो श्रृंगार, पीछे वाले भी ऐसा पर दो, सब देखते ऐसा पर दो श्रृंगार,